आमतौर पर सचिन तेंदुलकर के हाथ में अब से पहले बल्ला ही नजर आया है, मगर इस बार सचिन कुछ नया करते नजर आए। जी हाँ, इस बार सचिन क्रिकेट के मैदान को छोड़कर संगीत की महफिल में संगत करते दिखे। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल हो रही है। ये पहला मौका है जब सचिन तेंदुलकर इस तरह के किसी काम में लीन नजर आए। क्रिकेट के मास्टर सचिन तेंदुलकर को जुगलबंदी करते देख हर कोई उत्साहित था। दूसरी तरफ सचिन भी इस बात से बेहद खुश थे कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। हालांकि सचिन ने इस बात की जानकारी फैंस के साथ ट्विटर पर साझा की थी। सचिन ने जाकिर हुसैन के साथ एक तस्वीर शेयर की थी। इसमें उनके हाथ में तबला और जाकिर हुसैन के हाथ में बैट नजर आया। इतना ही नहीं, सचिन ने अपने फैंस के साथ एक वीडियो भी शेयर किया था। साथ ही ये अपील भी की थी कि इस नए अंदाज को जरूर देखें। आप भी देखिए कैसे उस्ताद जाकिर हुसैन का सचिन तेंदुलकर बड़ी ही खूबसूरती से साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। ये नज़ारा है मुंबई के शनमुखानंद हॉल का। यहाँ उस्ताद जाकिर हुसैन के एक कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर ने भी शिरकत की। जहाँ जाकिर हुसैन तबले से मधुर तान छेड़ रहे थे, वहीं सचिन भी स्लीट गोंग नाम के इस वाद्य यंत्र से उस्ताद जाकिर हुसैन का बखूबी साथ देते हुए नजर आए। और इस तरह महफिल में सचिन और जाकिर हुसैन की इस जोड़ी ने चार चांद लगा दिए।